नीतीश कुमार के हम ही मांग करिए, अखनो अहाँ के तरफ से अखाक चैनल से मांग करिए जे हिंदुस्तान के अंदर भारत सरकार के और हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में जो आईआईटी है, इस किसी आईआईटी के अंदर से जो सिविल कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उनके अध्यक्षता में एक जांच समिति बनावे नीतीश कुमार, और उसमें भारत के अंदर जो प्रोफेशनल नॉलेज वाले हैं, जो डीपीआर बनाने वाले हैं, जिसको कहते हैं कंसल्टेंट्स, जिसको डीपीआर बनाते हैं, डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो एस्टिमेट जरा कहे रेखांकन रूपांकन एस्टिमेट डिजाइन, ये हम उनका टेक्निकल भाषा बोलते हैं, तो इसका जो एक्सपर्ट हो ऐसे एक्सपर्ट को बना दे कमिटी, और हम जो आरोप लगाते हैं सो जांच करा दे। अगर मेरे आरोप को वह कमिटी इनकार कर दे तो हम समाज के सामने कान पकड़ के 100 बार दंड बैठकी कर देंगे, आ नहीं अगर वो मेरे आरोप को वह कमिटी स्वीकार कर दे कि नहीं ये हुआ है तो नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर से माफी मांग करके और जितना भी ये घपला में घाटा लगा है उसकी पूर्ति कर दे, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। अब वो कहेंगे कि भाजपा भी कोई पार्टनर रहे थे क्या, यानी आरोप लगा रहे कोई पार्टनर रहे थे क्या, मुखिया आप हैं साहब, लोग तो आप पर विश्वास किया, सुशासन बाबू हैं, अभी हिंदुस्तान में राज चल रहा है तो लोग विश्वास तो मोदी पर कर रहा है ना। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पर अहाँ सब समक्ष एकटा हम बात लऽ कऽ आयल छी, जय मिथिला, हम सरोज झा अहाँ सब लोकनि के मिथिला तक न्यूज में स्वागत करै छी। हर चीज में एकटा भ्रष्टाचार एते घुसि गेल जे ऊपर तक ओकर जानकारी अलग तरह से भेटैया, और जबकि ओ कार छै ओ चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हुआ या ब्रिज कंस्ट्रक्शन हुआ आ पुलिया सब बने है जे में बहुत सारा जे छै से भ्रष्टाचार छै, ओकर बनबै के कंस्ट्रक्शन जे छै से अलग तरीका से जतय जते खर्च नै कयल जाय ओतय ओते खर्च क के ओहि तरह से बनायल जाय छै, जतय जतय अहाँके यात्री सबके वाहन सबके भी जाय में दिक्कत होइ छै। हमरा साथ पूर्व मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव सर छथि, अखन जे ई आयल छलथि तऽ निरीक्षण कयलथि जे प्रधानमंत्री के ई आगा देलखिन एहि के विषय में लेटर, तऽ आब हम बात करै छी माननीय हुकुमदेव नारायण जी सर, सर केना की कंस्ट्रक्शन केना की छै, केना अपने देखल या केना जानकारी में एलै? देखियौ अहाँ के धन्यवाद, फेर अहाँ एलहुँ हँ धन्यवाद। आइ ओहि दुमंठा पुल है, हाई ब्रिज पुल है, लम्बा पुल है, 3.5 करोड़ रुपया के पुल लागत से बनल पुल छै, और पुल बनले रहे 9-10-11 के पीरियड है, ताहिमे पुरान है, तऽ ओहि पुल जखन बनैत रहै ताहि समय में से 14-12-2009 के मुख्यमंत्री के हम पत्र लिखलिए, एकर गलत बनि रहल है, एहिठन एते पुल के जरूरी नहीं छलै, एते ऊँचा पुल के जरूरी नहीं छलै, और वही लग पहले लोहा के पुल बनल छै अंग्रेजी राज के समय से ओहि रोड में, तो हम लिखलिए जो लोहा के पुल जो बनल छै ते समय में नदी चालू रहै, तो आज तक जे जते बड़का से बड़का बाढ़ एलै ताहिमे लोहा के पुल कहियो नहीं डूबलै, तो जब लोहा वाला पुल डूबे नहीं कैलै कहियो, तो वही ठाम बगल में जे एते ऊँचका पुल बनाबे के बड़का पुल बनाबे के कोन जरूरी, आर वही बहा में जे राठी वाला रोड जे है मधुबनी आ झंझारपुर रोड, ती रोड में वही बहा में से पुल बनल है गुमती से कनिके आगू जाकर राठी चौराहा से पहले, तो हम देखिए जो वो तब पुल जो है ते पुल से जितबे पानी अतः ततबे नहीं अगला पुल से बहते, तसे देख लियो वोठन पुल जो है सोचल तो एक भमरा के पुल है 20 फीट के साधारण पुल है, बेसि ऊँचो नहीं अहू सब रोड से जाए तो कोनो नहीं बड़का ऊँच पुल हुए, दोसर हम कहलिए वही नदी में आगू जाकर पुल है तहू में जाकर देखियो जो आगू ऊँचका पुल ना है, आप चल गए भैया साहब के कॉलेज लग जो लचका है पंडोलिया वाला ते, तो हम कहलिए तो जब आगू न बड़का पुल न पाछू बड़का पुल तो बीच में बड़का पुल कसीला बनी ली, एकर कुल कारण तो एकर जाँच भले, तो फिर एकर जाँच होते तो समय कार्रवाई भले, तो छे तहिया से हम अपन लिखा पढ़ी कलिए, ओकर बाद एगो आईआईटी दिल्ली वाला जो है से भारत सरकार के विश्वविख्यात संस्था है इंजीनियरिंग के, तो ओकरा कोनो जांच करे ला बिहार सरकार देने रहे, तो ओकर एगो अखबार में प्रकाशित भले दैनिक जागरण में दिल्ली में कि आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने बिहार सरकार को यह रिपोर्ट दे दिया है कि पुल निर्माण निगम के द्वारा जो पुल बनाया जाता है उसका जो डीपीआर है और उसका जो ये एस्टिमेट है वो गलत बनाया जाता है, कि जितने लागत है उस लागत से कई गुना अधिक का बना दिया जाता है और क्वालिटी भी उसका सही नहीं है, तो हम वो रिपोर्ट पढ़लिए तो वही रिपोर्ट के लौकर हम प्रधानमंत्री जी के पत्र लिखलिए, तो शीर्षक हम दिलिए कि ये टेक्निकल करप्शन है, तकनीकी भ्रष्टाचार, तेमें हम दिलिए तकनीकी भ्रष्टाचार में केना ये डीपीआर बनबे में एस्टिमेट बनबे में अलाइनमेंट करे में डिजाइनिंग करे में गलत बना कर आ ओहिपर कॉस्ट बैठा दिलक
आ 5 रुपया के बनना चाहिए तो 5 रुपया के कॉस्ट 10 रुपया के खा दिल आ वो में 5 रुपया जो बचल से बंदर माट कह खा गए। आई बिहार सरकार के जब अपना प्रधानमंत्री के लिखलिए हम 28/3/2021 के देखियो में है आ बिहार सरकार के प्रधानमंत्री के जवाब भेजलखिन से ये कागज देखियो बिहार सरकार के ये मोहर मोहर लागल है पथ निर्माण विभाग पटना तो भेजल कई और कॉपी हम भेजल प्रधानमंत्री के भेजल कई तो हम भेजल तो हमारा भेजल तो वह अपन तो कैलक से कैलक लेकिन कारण बतलक कि बाढ़ उल्लिखित पुल कमला नदी के बाढ़ क्षेत्र में आता है फलस्वरूप अत्यधिक वर्षा होने पर जल स्तर भी बढ़ जाता है जिस कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उस क्षेत्र में सेतु की योजनाओं का निरूपण किया जाता है। निरूपण माने डिजाइनिंग ओठन जब बाढ़ आबते नहीं नदी छबे नहीं कर जब नदिये नहीं दोनों तरफ खेत बनल है तो बाढ़ आबते नहीं जब शहर में अपार वर्षा के पानी हो चकदम में जाए तो वह पानी कुछ दिन बहे है तो आगे जाकर एमजे साल रुकल छे तो रेलवे लग से डीएम कहल तो खुन खुन के पानी के निकाले के रास्ता बनल तो एक नंबर गलत झूठ बजल प्रधानमंत्री के दोसर दई है कि केवल पुल के आसपास घनी आबादी और गांव रहने के कारण पुल की ऊंचाई अधिक प्रतीत होती है। मतलब गांव पुल है तो चारों तरफ खूब घर ही बसल आ गांव ही बसल जबकि नहीं छे को घर नहीं जाके यहाँ देखा को घरे न तो जब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम घरे न हो आधा किलोमीटर तक में एने दुमंठा दिस महादेव जी बहुत पहले के छथिन 50 बरस 100 बरस के होथिन तब ओठन जो 2-4 गो दुकान एक आध 2 गो घर है तहूठन से काफी दूर है तो जब वो पुल लंग को घरे नहीं है कोई गाँवे नहीं है आ तब कहे जो ओठन पुल अधिक केवल पुल के आसपास घनी आबादी माने जना मधुबनी शहर बसल है हाँ और गांव रहने के कारण पुल की ऊंचाई अधिक प्रतीत होती है कते झूठ है। हाँ तो ओकर बाद वह दिल्क जो प्रशांत पथ की पहुंच लंबाई 180 मीटर स्लैब को ग्रेजुअली कर दिया गया है मैंने स्लैब कह दिल्क जब उस पर आवागमन की सुविधा सही है लोगों को कष्ट नहीं है। अच्छा सरकार तो एनडीए के छल तो की लग गया बहुमत से अगर सरकार बनी है तखन अहाँ के बिहार में भ्रष्टाचार होते से कम हेतु देखियो आई पत्रकार पूछने छा कि नीतीश कुमार आपसे हट गए हैं इसीलिए आप पूछ रहे हैं। हमने कहा जिस समय का ये पत्र है दोनों वो दोनों समय में नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन की सरकार थी हम उस समय लिखे थे उस समय चैलेंज किए थे अकड़ा से अंदाज की लग है ये 28/3/2022 के जो हम पत्र लिखने थे तैयार नीतीश तब एनडीए में छला आई 14/12/2009 के है तैयार एनडीए के रह एनडीए के रह आ भारत सरकार के जे है से जवाब भेजलखिन है कि कहे है ये चिट्ठी बिहार सरकार के जो चिट्ठी है से देखियो या देखियो अ पर लिखल है अब सर लिखल ये 28/6/2022 ये चिट्ठी भेजलखिन 28/6/2022 के ये रिकॉर्ड है ना। हाँ ऐसे लेटर से तो प्रतीत हो जाए जखन सरकारे चले या तखने अगर एगेंस्ट में आवाज उठे मर्यादा से पत्र लिखे अनुशासन मान को लेकिन जब ये हमरा हाथ में हमरो भेजल आ जब प्रधानमंत्री के हमरा पास में प्रत्यक्ष प्रमाण भेट गए कि भारत बिहार सरकार भारत सरकार के गलत रिपोर्ट भेजा तो एगो जो हमरा प्रमाण भेज गए एक मतलब अब प्रमाण है भग ना हमरा जो हम जो कहे छे जो शौचालय का रिपोर्ट गलत है नल जल का रिपोर्ट गलत है ये सड़क निर्माण का रिपोर्ट गलत है जो कि बिहार की सड़कें सही हैं सड़कें टूट रही हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का जो बनावट है स्टैंडर्ड है लेकिन विपक्ष के बयान तो यह है तो अखन मतलब उठा रहा है आप देखिए कोई कुछ कह देते खाता के आगू रेकट के आगू की बसते रेकट के आगू की बसते प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बन रही बिहार में 2 गो कंपनी रहे अरावली और शिवस्वाती कंपनी तक सौंसे उत्तर बिहार के सड़क द दिल्क आ मधुबनी में 15 गो 16 गो सड़क रही शिवस्वाती के आ 14-15 गो सड़क दिल्क अरावली के आ शिवस्वाती के सड़क बनबे ला दिल्क
2008-09 जे सड़क मिललै बनवेला शिव स्वाति के से जोड़ियो ताहिमे से अखनो 5-7 गो सड़क जे अधूरा पड़ल है। आ ओहि शिव स्वाति के लेल दिशा समिति में अरावली के जे कंस्ट्रक्शन कंपनी है तकरा खिलाफ हम सब इतना लिखलियै जे पास करियै प्रस्ताव कहाँ आ ओकर भेजल जाए कि इसके खिलाफ FIR लॉज हो। एतक के एक्सिक्यूटिव सब लिखल सबके भेजल जे FIR लॉज हो पर समिति कहलकै FIR लॉज हो लेकिन भेजल के तो पटना में जाकर नीतीश के मंत्रालय वाला ओकरा लिख कर आ वह ठेकेदार के एक्सटेंशन दे देलकै कि इसको फिर 6 महीना का समय देते हैं। एकर मतलब जब कोई आदमी जब जे कमिटी दिशा समिति है तकर चेयरमैन हो MP आ सब MLA मेंबर आ सब प्रखंड के जो अध्यक्ष है पंचायत के से ओकर मेंबर आ जिला परिषद के अध्यक्ष मेंबर अब अति जो बैठल है से समिति निर्णय लेलकै जे ई सब कंपनी के खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए FIR लॉज होना चाहिए जे एठन DPR बनेने है कंसल्टेंट कंपनी IFL & FS एकरा खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए क्रिमिनल केस दायर होना चाहिए। कम से कम 2009 से लौका 2019 तक में जे 5-6 बेर दिशा समिति से सर्वसम्मति प्रस्ताव पास कर के भेजल गई लेकिन बिहार सरकार नहीं कलकै।